प्रश्न 12। अनिल 60% स्थितियों में सत्य कहता है और आनंद 90% स्थितियों में सत्य कहता है। किसी कथन पर उनके एक दूसरे के विरोधाभासी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अनिल के जो सत्य कहने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 60%, अर्थात 60/100। तो अनिल का सत्य कहना, इसको हम घटना ए मान लेते हैं, अर्थात प्रश्नानुसार पी ए बराबर हो गया 60/100। अब अनिल यदि सत्य ना कहे, अर्थात अनिल झूठ कहे, तो उसकी प्रायिकता हम पी ए बार से दिखाएंगे और वो कितनी हो जाएगी? 1-60/100, अर्थात 40/100। ए बार, अर्थात अनिल सत्य नहीं कहता है। अब आनंद का सत्य कहना, इसको हम घटना बी मान लेते हैं। तो घटना बी बराबर है आनंद का सत्य कहना, इसको हमने मान लिया घटना बी है। अब प्रश्नानुसार क्या है हमें दिया हुआ? 90% स्थितियों में आनंद सत्य कहता है, अर्थात पी बी बराबर हो गया 90/100। तो पी बी बार, अर्थात प्रायिकता, जबकि आनंद सत्य नहीं कहता है, वो कितनी हो जाएगी? 1-90/100, मान आ गया 10/100। ये पी बी बार हो गई। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि वो परस्पर एक दूसरे के विरोधाभासी कथन कहते हैं, अर्थात विरोधाभासी पी विरोधाभासी होने पर प्रायिकता, जबकि दोनों विरोधाभासी हैं, वो कब होगी? जबकि जबकि अनिल तो सत्य कहे और आनंद सत्य ना कहे। पी ए इंटू पी बी बार, अनिल तो सत्य कह रहा है और आनंद सत्य नहीं कह रहा है, एक स्थिति तो ये हो सकती है, या कर रहे हैं इसलिए इसको जोड़ेंगे। पी ए बार, अर्थात अनिल तो सत्य नहीं कह रहा है और आनंद सत्य कह रहा है, इंटू पी बी, ये स्थिति होगी, या तो ये होगी या ये होगी, इसलिए हमने इसको जोड़ा है। मान लिख देते हैं 60/100 इंटू 10/100 प्लस 40/100 इंटू 90/100, कॉमन ले लिया, 1/100 × 100, ये तो हमें कॉमन मिल गया, ब्रैकेट में क्या हो गया? 60 × 10, अर्थात 600 प्लस 40 × 90, 3600। कैलकुलेट किया मान, तो मान आ गया 4200 × 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, मान आ गया 42/100, अर्थात 0.42। तो प्रायिकता, जबकि वे परस्पर विरोधाभासी होंगे, वो प्रायिकता 0.42 है।